वेलकम टू माई चैनल। आई होप ईच ऑफ यू इज इन गुड स्पेस। तो आज का जो मेरा वीडियो है, इट इज गोइंग टू बी इन फॉर्म ऑफ सीरीज, जिसका पहला वीडियो मैं आज शूट कर रही हूँ। एंड इस पूरी सीरीज में मैं बताऊंगी दैट मैंने अपने बेटे के लिए, हु इज राइट नाउ 3 years old, सिंस बिगिनिंग कौन कौन सी बुक्स यूज की है, बिकॉज ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। इट टुक पेशेंस एंड टाइम टू डेवेलप दैट हैबिट, और ये कैसे हुआ, इसमें कई मिस्टेक्स भी हुई है, सो आई इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग। सो आफ्टर माई सन वॉज बॉर्न, 4 weeks का था, तो मैंने उसका पहला बुक खरीदा था, एंड मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। बहुत सारे ऑप्शंस है अमेजोन में, वंस यू क्लिक फॉर सच बुक्स, एंड यू कैन गो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एंड इट्स ब्लैक एंड व्हाइट बुक बाय टैना होबन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। सो इसमें क्या होता है, 14 इमेजेस होती है, इट्स अ फोल्ड बुक, और ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट इमेजेस होंगी और व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक इमेजेस होंगी। सो जब छोटे होते हैं तो बच्चे सिर्फ लेटे ही रहते हैं, तो टमी टाइम है या अपनी बैक पे भी है, व्हेन दे स्टार्ट नेक मूवमेंट्स, तो आप ये बुक उसके सामने प्लेस कर सकते हो, एंड इट एंगेजेस देम, दे डू गेट अट्रैक्टेड टू इट, एंड दीज काइंड ऑफ बुक्स दे हेल्प इन द स्टिमुलेशन ऑफ ऑप्टिक मूवमेंट्स। सो ये मैंने कहीं पढ़ा था, किसी के इंस्टाग्राम पेज के रिकमेंडेशन में था, एंड व्हेन आई सर्च्ड अबाउट इट, फिर मैंने उसको सर्च करने के बाद ही पहला एक बुक अपने बेटे के लिए परचेज किया था, एंड इट प्रूव्ड टू बी रियली गुड, बिकॉज इमेजेस बहुत बोल्ड होते हैं, एंड इट अट्रैक्ट्स द चाइल्ड्स अटेंशन, एंड यू कैन यू नो जस्ट प्ले विद द चाइल्ड, एंड इट्स कार्डबोर्ड बुक, तो बहुत ही स्टर्डी होती है। मैंने जो सेकेंड एडिशन उसकी बुक कलेक्शन में किया था, दैट वॉज अबाउट बेबी टच बुक्स। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे ऑन अमेजोन, सो यू डोंट यू नीडंट वरी अबाउट वॉट यू शुड बाय। मैंने सिर्फ उस टाइम पे एक ही बुक लिखी थी, क्योंकि मेरा ये मानना था दैट बाय वन डू इट नाइसली। उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी चीजों की, तो मैं एक ही बुक को परचेज करके उसको अच्छे से यू नो इंट्रोड्यूस करना चाहती थी, रादर देन बाइंग अ बल्क एंड नॉट नोइंग वॉट टू डू विद इट। वो भी बुक बहुत स्टिम्युलेटिंग होती है, बेबीज दे टच एंड फील डिफरेंट सर्फेसेस। नेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस की थी, दैट वॉज एट 1 year, वो भी बेबी टच बुक ही थी, और ये अभी भी चल रही है। समटाइम्स ही ओपन्स अप एंड ही वॉन्ट्स टू जस्ट डू दिस बुक एंड यू नो टच। राइट नाउ आई गिव हिम द फ्रीडम टू चूज बुक्स that he wants to read. So it is Baby Animals and it is by Om Publishing House. Right now I don't need to talk about animals, he makes stories around these animals. So at every stage children will read the book in a different way. It can be a picture book initially, then you can read it to them, and then probably at the stage my son is right now, he tries to bring out stories out of these pictures, or he wants to, he'll you know pick up something, pick this and ask me what is it. So very much optional, but yeah, it does it is still useful to us. To ab hum aate hain next book set par, जो कि मैंने लिया था when my child was around again 1 year old, और मैंने ये library set लिया था, that is my first library, और इसमें 10 books होती है। This is the most common set, most Wonder House का book set होता है। तो इसमें क्या होता है कि the dimension of each book would be like this, and it will be covering a topic, that is my first book of shapes, and then my first book of ABC. So ऐसे करके birds, animals, farm animals, fruits, different concepts होंगे, and मुझे जो बाद में realize हुआ वो ये हुआ कि you cannot teach it alone. I have learned to believe that the child should learn from their environment, that is from real life. तो अगर हम उनको fruits सिखा रहे हैं, you can take them to a vegetable shop, वहां पे vegetables introduce करना, fruits को introduce करना, and then probably you can use these books as a support material. तो जो common reviews मैंने देखे थे Amazon पे, वो ये था कि the book size is too small, and but मुझे ये small नहीं लगा, मुझे ये काफी handy लगा, because my son could hold it easily. Also we have been able to maintain more or less all the books except one or two.
बुक का रिकमेंडेशन है दैट इट्स यूजफुल टिल द एज ऑफ 3, ही स्टिल यूजिंग इट एंड इट्स लाइक अ पिक्चर बुक. तो डिसएडवांटेज ये है कि जो चीजें नहीं देखी है, जैसे अगर बर्ड्स हैं तो अगर हमें बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ बर्ड्स उसको समझाने हैं देन दिस बुक वुड नॉट बी कम्प्लीटली हैंडी. आई मीन द चाइल्ड एक्चुअली नीड्स टू सी दोज बर्ड्स इन रियल लाइफ. तो the concepts that he's been able to see, like different kinds of vehicles, different kinds of animals, fruits, vegetables, colors, shapes, he identifies, he recognizes, and he enjoys those books. Whereas later on, when he maybe gets introduced to different kinds of birds or any concept that right now he thinks is not understandable, jab wo real life mein dekhega, then this book becomes handy as a revision. फिर से पूछोगे तो इट्स रेकमेंडेड बट फर्स्ट प्लीज ट्राई टू लेट देम लर्न फ्रॉम देयर नियरेस्ट एनवायरमेंट एंड ऑल्सो वेट फॉर दिस बुक टू बी इंट्रोड्यूस. डू नॉट इंट्रोड्यूस इट सो अर्ली लाइक आई डिड. देयर इज अनदर सेट ऑफ बुक्स दैट आई ऑर्डर्ड एंड आई बॉट एंड आई हैव यूज्ड देम एंड दे आर स्टिल बीइंग एंजॉयड अ लॉट. वो है बाय ओन पब्लिकेशंस. दिस इज द बुक ऑन फायर इंजिन्स, वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट फायर इंजिन्स. सो दिस इज रियली रियली इट एक्ट्स अगेन एज अ पिक्चर बुक एंड इट्स अ ग्रेट एडिशन टू योर चाइल्ड्स library. It can take it from another publication or take it from this publication, that is your choice. Then we have bus, airplanes and panda. So in the beginning we don't know ki bacche ka kya interest hai. Ek book order kijiye, uske sath experiment kijiye, dheere dheere aapko bacche ka ke bare mein samajh aana shuru ho jayega ki usko kya actual mein acha lagta hai. Ye to thi pehle wali video. Iske baad aur bhi videos aayengi जिसमें मैं बाकी बुक्स इंट्रोड्यूस करूंगी और बताऊंगी कि मैंने वो बुक्स क्यों खरीदी और मैं कैसे अपने बेटे का जो कबर्ड है वो ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ फॉर रीडिंग. दैट इज वेरी अचीवेबल, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा अबाउट इट. स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज एंड होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो. इफ यू हैव प्लीज गिव इट अ लाइक, डू शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.